आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का सरेंडर, 50,000 की इनामी डकैत ने करौली पुलिस के सामने किया सरेंडर। बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ वायरल किए थे वीडियो। अब ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने सरेंडर किया है। 50,000 की इनामी डकैत ने करौली पुलिस के सामने सरेंडर किया है। धमकी भरे वीडियो वायरल किए गए थे। जगन गुर्जर ने करौली से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या पूरा अपडेट इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा को के खिलाफ धमकी भरे वीडियो वायरल किए थे जगन ने, धमकियां दी थी। इसके बाद में पुलिस की ओर से 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। धौलपुर पुलिस, भरतपुर पुलिस, करौली पुलिस कॉम्बिंग में जुटी हुई थी, जगन की तलाश की जा रही थी। इस बीच आज जगन ने करौली जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, जिसकी पुलिस अधिकारी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर देंगे। लेकिन यह बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है, जगन ने सरेंडर कर दिया है करौली पुलिस के समक्ष। और माना जा रहा है कि जो जिस तरह का पुलिस का प्रेशर बिल्टअप हुआ था, उसके बाद में जगन ने सरेंडर किया है। बिल्कुल मनोज, देखिए सरेंडर के पीछे भी पुलिस की कार्रवाई ही है, क्योंकि अगर पुलिस की मजबूत कार्रवाई नहीं होती तो शायद जगन कभी सरेंडर नहीं करता। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर माना जाएगा जिस तरह का प्रेशर पुलिस की ओर से बनाया गया, उसके बाद में जगन ने आत्मसमर्पण की योजना बनाई। और इसमें पुलिस के जो मुखबिर हैं या पुलिस से जुड़े लोग हैं, वो सूत्रधार बने इस सरेंडर में। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, जगन पर पहले भी कुख्यात इनामी डकैत रह चुका है, और उस समय भी करौली पुलिस के समक्ष जगन ने कैमरी में आत्मसमर्पण किया था, और दूसरी बार फिर दोबारा करौली। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया।